हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज सीकर्स गाइस। तो इस वीडियो में गाइस मैं आपसे बात करने वाला हूँ दो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो नागपुर यूनिवर्सिटी में आगे जाके अपडेट्स आने वाले हैं। सबसे पहला तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है गाइस बैकलॉग एग्जामिनेशन, और सेकंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है रेगुलर स्टूडेंट्स की विंटर एग्जामिनेशन के बारे में। तो देखिए गाइस, जो बैकलॉग एग्जामिनेशन है और जो विंटर एग्जामिनेशन है उस पर RTMNU या फिर नागपुर यूनिवर्सिटी ने अभी तक कोई भी अपडेट नहीं दिया है। मे भी पहले ऐसा रीज़न वो दे सकते थे कि जो फाइनल ईयर की एग्ज़ाम है वो शुरू है, उनके वजह से जो अपडेट्स है वो नहीं आ रहे हैं। बट गाइज अभी जो फाइनल ईयर की एग्ज़ाम है वो भी ख़त्म हो चुकी है और ऑलमोस्ट जितने रिजल्ट है वो भी लग चुके हैं, कुछ रिजल्ट लगना अब बाकी है। तो गाइज जो अपडेट है अभी आना शुरू हो जाना चाहिए, क्योंकि अपडेट्स और भी लेट आएंगे तो स्टूडेंट्स को बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। अब कैसे प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा वो भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। देखिए गाइज, सबसे पहले तो बैकलॉग एग्जामिनेशन में कैसे प्रॉब्लम होगी स्टूडेंट्स को, तो देखिए गाइज जो स्टूडेंट फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर में गया है तो देखिए आपको तो पता ही होगा कि जब हम फर्स्ट ईयर में जाते हैं तो फर्स्ट ईयर में हमें जो सब्जेक्ट्स रहते हैं वो बेसिक सब्जेक्ट्स रहते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स वगैरह वगैरह। और जब हम सेकेंड ईयर में जाते हैं तो हमारा जो डिपार्टमेंट है वो स्पेसिफिक हो जाता है और हमें जो सब्जेक्ट्स है वो स्पेसिफिक पढ़ना पड़ता है। बट अगर आपके फर्स्ट ईयर में बैकलॉग्स हो गए और अगर आप सेकेंड ईयर में चले गए हो तो सेकेंड ईयर में तो आप स्पेसिफिक पढ़ना और स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ना शुरू कर दिया होगा, बट बैक ऑफ द माइंड आपके मन में टेंशन होगा कि हमारे फर्स्ट ईयर के जो सब्जेक्ट्स है वो बैकलॉग है और जब भी एग्ज़ाम होगी तो आपको उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। तो हमारा जो सेकेंड ईयर में है वो अलग ही है और जो फर्स्ट ईयर के जो सब्जेक्ट है वो थोड़े अलग ही है, तो इसलिए जो स्टूडेंट्स के मन में टेंशन रहेगा कि हमें फर्स्ट ईयर के जो सब्जेक्ट्स है वो निकाल लेना है। इसके अलावा सेकेंड कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं उनको तो और भी ज़्यादा आपसे टेंशन होगा कि देखिए जो स्टूडेंट सेकेंड ईयर में थे और थर्ड ईयर में चले गए, क्योंकि जो एग्ज़ाम है वो हुई नहीं और एग्ज़ाम्स नहीं हुई तो जो स्टूडेंट्स हैं उनको प्रमोट कर दिया गया है थर्ड ईयर में। बट जो सेकेंड ईयर से थर्ड ईयर में प्रमोट हो गए हैं अगर उनके फर्स्ट ईयर में बैकलॉग हो गए तो वो वैलिड नहीं होता है एडमिशन, क्योंकि अगर हमें थर्ड ईयर में जाना है इंजीनियरिंग में तो फर्स्ट ईयर में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो हमारे सारे क्लियर होना चाहिए। बट ऐसा नहीं हुआ इस साल, क्योंकि बैकलॉग की एग्जामिनेशन ही नहीं हुई इसलिए प्रमोट कर दिया गया, बट उनकी एग्ज़ाम भी होने वाली है। क्योंकि एग्ज़ाम नहीं होगी तो उनके बैकलॉग क्लियर नहीं होंगे, अगर बैकलॉग क्लियर नहीं होगी तो उनका जो एडमिशन है वो वैलिड नहीं रहेगा, ठीक है। तो उनको भी बहुत टेंशन है और वो थर्ड ईयर में होते हुए तो उनके जो सब्जेक्ट है और भी स्पेसिफिक हो चुके हैं और उनको जो मतलब उनकी जो पढ़ाई है वो और भी स्पेसिफिक हो चुके हैं, तो उनको भी प्रॉब्लम होगा कि फर्स्ट ईयर के बैकलॉग निकालने में, तो उनको भी फर्स्ट ईयर का पढ़ना पड़ेगा। तो इसलिए जितना जल्दी होता है गाइस RTMNU जो बैकलॉग के वो अपडेट्स दे देना चाहिए, क्योंकि अगर अपडेट्स नहीं देंगे तो ऐसे ही आगे जाके भी स्टूडेंट्स को बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। और देखिए गाइस, मैंने आपको बहुत बार पहले भी बोला है कि जब भी बैकलॉग के अपडेट आएंगे तो मोस्ट प्रॉब्ली आपकी जो एग्ज़ाम होगी वो ऑनलाइन होगी, उसके लिए कैसे प्रिपेयर करना उसका वीडियो भी मैंने पहले ही बना दिया है, और कैसे MCQs आप फाइंड कर सकते हो, कौन से लिंक से आप MCQs देख सकते हो, तो उसको अभी वीडियो गाइज मैंने बहुत पहले बना दिया है। अगर आपने नहीं देखा होगा तो गाइज आई बटन पे लिंक है, आप देख सकते हो। तो चलिए अब मैं बात करता हूँ विंटर एग्ज़ाम्स के बारे में। तो देखिए गाइज, अगर बैकलॉग एग्जामिनेशन कंडक्ट हो सकती है तो विंटर एग्ज़ाम भी कंडक्ट हो सकती है, और विंटर एग्ज़ाम कंडक्ट होने के भी जो चांसेस है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। जैसे आपने देखा ही होगा कि मुंबई यूनिवर्सिटी ने अपडेट्स दे दिए उनकी विंटर एग्ज़ाम्स के बारे में, और उनकी जो एग्ज़ाम है वो भी अभी शुरू हो जाएगी कुछ दिनों में। उन्होंने ये भी बोला कि पहले प्रैक्टिकल्स होगी उसके बाद जो एग्ज़ाम है वो होने वाली है। उनका जो पैटर्न है गाइज वो भी ऑनलाइन पैटर्न है, तो अच्छी भी बात है गाइज और ये बुरी भी बात है, क्योंकि ऑनलाइन एग्जामिनेशन में जो पढ़ाई करना रहता है वो मतलब पढ़ाई अच्छे से नहीं होती है, तो ऑनलाइन एग्ज़ाम होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा है विंटर एग्जामिनेशंस में भी। उनका जो पैटर्न है गाइज वो मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ, ताकि हमारे आपको भी पता रहे कि कैसा अपडेट्स आ सकते हैं, और अगर अपडेट्स आते हैं तो आप भी उसके लिए रेडी रह सकते हो। तो देखिए, उनके कुछ कुछ कोर्सेज के लिए बस MCQs है और प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस वगैरह है, और कुछ कुछ जो स्पेसिफिक कोर्सेज है गाइज जैसे इंजीनियरिंग वगैरह, तो वहाँ पर उन्होंने दो पैटर्न का यूज़ किया है। पहला जो पैटर्न है गाइज वो MCQs है, और दूसरा है उसमें डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस। तो 50% MCQs आने वाले हैं और 50% डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस उनको आने वाले हैं, तो ऐसा उनके अपडेट्स में बताया गया है। इसके अलावा जो प्रैक्टिकल्स वगैरह है वो सब कुछ ऑनलाइन होने वाला है, और उनके एग्ज़ाम्स जनवरी के 15 या 16 तारीख तक एंड होने वाले ऐसा उसमें बताया गया है। तो उनके यूनिवर्सिटीज़ में काफ़ी अच्छे से अपडेट्स आ रहे हैं और वो काफ़ी अपडेटेड रह रहे हैं। इसके अलावा उनके कॉलेजेस में भी जो बैकलॉग स्टूडेंट्स हैं तो उनको भी मतलब MCQs वगैरह प्रोवाइड किए जा रहे हैं। जैसे मैं पुणे यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ तो मेरे मतलब जो फ्रेंड्स हैं तो उनके जो
बैकलॉग हो गए तो उनकी भी मतलब प्रैक्टिस ले रहे हैं वहाँ पे, मतलब वहाँ पे उनके जो एक्स्ट्रा लेक्चर्स है वो भी कंडक्ट किए जा रहे हैं, तो ये काफ़ी अच्छा हो रहा है उन स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि जो बैकलॉग थे तो वो तो बहुत पहले के थे, वो सब कुछ भूल गए होंगे स्टूडेंट्स, तो उनके जो रिवाइज सेशंस है वो भी वहाँ पे शुरू है, जो कि काफ़ी अच्छी बात वहाँ पे हो रही है। और जो रेगुलर स्टूडेंट्स है उनके लिए भी, जैसे मैं स्टूडेंट हूँ, रेगुलर स्टूडेंट हूँ, तो मेरे जो यूनिट टेस्ट है वो हो चुका है, और कल से जो प्रीलिम एग्जामिनेशन है वो शुरू होने वाली है, तो इससे क्या होगा कि हम अपडेटेड रहेंगे, और सपोज़ जब भी अपडेट आता है विंटर एग्जामिनेशन का, तो हमें पता रहेगा कि ऐसी ऐसी एग्जाम होने वाली है और ऐसा ऐसा सब कुछ हो सकता है, तो ये सब कुछ हमें अभी पता है। बट मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि जो जिस भी कॉलेज में होगे आप आरटीएमएनएस से बिलोंग करते होगे, तो क्या गाइज आपकी यूनिट टेस्ट हुई है या नहीं हुई है, और क्या अभी प्रीलिम एग्जामिनेशन वगैरह हो रही है या नहीं है, और ये जो एग्जाम्स है वो कॉलेज लेवल पे हो रही है, तो क्या आपके कॉलेज कोई एग्जाम कंडक्ट कर रहा है एमसीक्यू बेसिस पे या फिर थ्योरी बेसिस पे, तो गाइस कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है, क्योंकि अगर ऐसा सब कुछ होता है तो आपकी भी लिंक बनी रहेगी, और एग्ज़ाम्स होती है तो स्टूडेंट्स भी पढ़ाई करने लगते हैं, तो अगर आपकी भी एग्ज़ाम्स होती होगी तो गाइस कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, क्योंकि एग्ज़ाम्स होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और एग्ज़ाम्स होगी तो आपको भी पता रहेगा कि ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। और ये भी ज़रूर बताना गाइस कि आपका कॉलेज एमसीक्यू एग्ज़ाम ले रहा है या फिर थ्योरी एग्ज़ाम ले रहा है, ठीक है, तो ये सारी बातें आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और अगर आपकी कोई क्वेरी वगैरह हो तो वो भी आप बता सकते हो, ठीक है। और देखिए गाइस जो हमारी रेगुलर एग्जामिनेशन है वो कब हो सकती है वो भी मैं आपको कुछ टेंटेटिव डेट्स है वो मैं बता सकता हूँ। देखिए जो बैकलॉग की एग्ज़ाम एग्जामिनेशन है, अगर 2-3 दिन में अगर हमारा अपडेट आ जाता है तो वो एग्ज़ाम दिसंबर के एंड में बैकलॉग की एग्जामिनेशन कंडक्ट हो सकती है, या फिर दिसंबर के 2nd या 3rd वीक में एग्ज़ाम होने के चांसेस रह सकते हैं, अगर 2-3 दिन में अपडेट्स आते हैं तो। और जो हमारी रेगुलर एग्जामिनेशंस है तो देखिए गाइस उसमें भी थोड़े मतलब डिफ़िकल्टीज रह सकती है रेगुलर एग्जामिनेशंस में, स्पेशली जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। देखिए कैसे इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर में एडमिशन नहीं हुए है, और बाकी कोर्सेज है उनमें भी फर्स्ट ईयर में एडमिशन नहीं हुए है, जो एग्ज़ाम्स है वो डायरेक्ट सेकंड ईयर वालों, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, उनकी होगी रेगुलर एग्जामिनेशंस, क्योंकि फर्स्ट ईयर के एडमिशन प्रोसेस शुरू नहीं हुए या फिर शुरू हुए थे तो वो रुक गए, ठीक है, तो ऐसा सब कुछ है। और अगर इंजीनियरिंग की मैं बात करूँ तो आपको पता होगा कि इंजीनियरिंग में कुछ स्टूडेंट डायरेक्ट डिप्लोमा से भी डायरेक्ट सेकंड ईयर में आते हैं, अगर रेगुलर स्टूडेंट की एग्ज़ाम होगी और जो डायरेक्ट सेकंड ईयर स्टूडेंट है उनकी तो एडमिशन प्रोसेस ही शुरू होने की है, अगर इनकी एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगी फिर ये स्टूडेंट डायरेक्ट सेकंड ईयर में एडमिशन लेंगे, तो फिर सेकेंड ईयर डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स की एग्जामिनेशन कब होगी, तो ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो रेगुलर एग्जामिनेशंस होने के चांसेस तो है, बट कैसे होती है, उसके अपडेट्स कैसे आते हैं वो देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा, और अगर उसके भी अपडेट्स अगर 10-15 दिन में आ जाते हैं तो आपकी जो एग्ज़ाम है गाइज वो जनवरी मंथ में होने के चांसेस रह सकते हैं, और उसका भी पैटर्न जो मेनली रह सकता है वो ऑनलाइन रह सकता है, ऑनलाइन प्लस डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन या फिर ऑनलाइन प्लस जो थ्योरी क्वेश्चंस रहते हैं अपलोड करना पड़ता है वैसा भी कुछ फॉर्मेट रह सकता है, इस पर भी ज़रूर अपडेट्स आएंगे, बहुत ही जल्दी अपडेट्स आना चाहिए, अगर जल्दी आते हैं तो स्टूडेंट्स को भी बहुत अच्छा रहेगा, और स्टूडेंट्स को भी प्रैक्टिस करने में मतलब हेल्प होगी, और उनको भी अच्छा खासा टाइम मिल जाएगा और आप भी अच्छे से एग्ज़ाम दे पाओगे। तो देखिए गाइस इतना ही अपडेट्स है, और इसके अलावा तो ऑफिशियल अपडेट्स कुछ नहीं आए, जो भी मैंने आपको इस वीडियो में बताया गाइस वो मैंने बस सोचा और समझा कि बाकी यूनिवर्सिटीज़ में ऐसा शुरू है तो हमारी यूनिवर्सिटीज़ में ऐसा सब कुछ हो सकता है, तो ये सारी बातें गाइस आपको समझ में अगर आ गई होगी, और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा गाइस तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना, और गाइस अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि नागपुर यूनिवर्सिटी से रिलेटेड आपको जितने भी अपडेट्स आए वो मिलते रहे।